मैं कई सारी वर्कशॉप में गया, गर्व उपाध्याय जी मुझे आईआईटी नाम में पढ़ा, मैं रुड़की में पढ़ा हूँ, वहाँ टॉप किया, आईआईटी में टॉप किया, फिर रेलवे में टॉप किया, फिर आईएएस में टॉप किया। लेकिन मैं जब गया तो देखा सब सिर्फ सेमिनार्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, छप जाते हैं, अखबार भी कुछ छप जाती है, और उस तरह जाना मिलिए, अपने घर जाइए, थैला उठाइए, एक हवाई जहाज का टिकट लीजिए, रात में डिनर करिए, हीरामन जी घर मत समझिए, बात होता ही जिंदगी में यही हो रहा है। मैंने अपने ब्यूरोक्रेट साथियों से भी कहा, कुछ नहीं होना, लेकिन जो लोग सामने बैठे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सबसे, आप कृपया हाथ उठा के बोलिए अपने मन से, आप जितने हाथ उठाएंगे मुझे अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके बचपन में आपके माता पिता ने, दादा दादी ने आपको भारतीय संस्कृति बारे में सिखाया नहीं सिखाया, ये हाथ उठा के बताइए, मैं देखूं कितने हाथ। देखिए अधिकांश छात्र थे, अधिकांश छात्र राय के साथ ने भी कहा, लेकिन हमारी कपिल साहब ने मुझे एक दिन बड़ा बढ़िया वर्ड बोला कि द ग्रेटेस्ट फार्मेसी ऑन अर्थ इज द किचन ऑफ नानी एंड दादी। नानी दादी की जो किचन थी वो ग्रेटेस्ट फार्मेसी थी आज की। तो हमने कहा भी सब चीजों को सिंपल करें, विश्व के सारे लोगों से बात की और इस एक डेफिनेशन को पढ़ के फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मुझे अच्छा लगा इतने हाथ उठ गए, अमित जी आप जितने हाथ उठे उसमें 30% भी अपने केंद्र का मेंबर बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका केंद्र जो है बुलेट बन जाएगा, बुलेट ट्रेन की तरह जापान में ऐसी बुलेट ट्रेन बनी थी पहले, अभी देखते हैं जापान में। तो बेसिकली भारतीय संस्कृति है क्या, सत्यनारायण जी से चर्चा हुई, राय साहब से भी चर्चा हुई वहां पे बेंगलोर में जाकर, हमने कहा साहब अभी मेरी परसों अतरसों आलोक इनसे बात हुई, कोठारी जी से शिक्षा न्यास के, आरएसएस में दत्तात्रेय जी से भी बात हुई, सब लोगों से बात, मौका मुझे मिल रहा पूरे भारत में कि बैंक ऑफ कॉन्फ्रेंस में भी गया, तरह तरह की जगह गया, तो मेरी जीवन का जिंदगी का नया अध्याय था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सबसे हमने कहा भाई एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए, क्या ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, टू एग्रीगेट भारतीय संस्कृति, उस भारतीय संस्कृति की जितनी ज्ञान इकट्ठा हो चुकी, किताबें मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तुषार मेहता जी से बात की, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस तो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, उन्होंने कहा सिंगला साहब आप एक ही काम कर दो, वैदिक ज्यूरिसप्रूडेंस, इस देश में 20 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, सिर्फ किसी बात में नहीं, पति को पत्नी का चेहरा पसंद नहीं है, किसी के बाप किचन में झगड़ा हो गया, वो बेचारा जुडिशियरी इसको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे और अपने चलते हुए सिलेबस में इंटीग्रेट कर दीजिए, रेलगाड़ी चलती नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप नई नई चीजें बनाते हैं कि मैं ये सिलेबस बनाऊं, वो सिलेबस बनाऊं, मैं 12वीं क्लास की 2 किताबें ले आऊंगा और बैके साहब आपको दे दूंगा, तो कपिल साहब ने लिखवाई थी, मैंने आज तक इससे बढ़िया किताब, मैंने एनसीईआरटी में आईएएस में हिस्ट्री लिया और मैंने पूरा आईएएस में हिस्ट्री में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे, और मैंने किताबें कौन सी पढ़ी थी, एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की, और कुछ नहीं पढ़ा, एक भी किताब नहीं पढ़ी, तो आज 2 किताबें ले आऊँ आपको देते जाऊंगा, उस 2 किताबों में जो कुछ 28 चैप्टर्स में उन्होंने लिखा कपिल साहब ने लिखवाया है उसके पन्ने उतरवा के 10-10 अगर सभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को बंटवा दें जनरल फील्ड को और वो अपने सिलेबस में उसको खाली उसको पेस्ट कर दें, ये भी पढ़ाया जाए बस आधा घंटा, बस समझिए समझिए विश्वविद्यालय ने नई परिकल्पना शुरू कर दी, हवाई जहाज के अंदर पंख लग जाएंगे, मैं इतनी बात कह सकता हूँ आप लोग एज प्रैक्टिकल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।